सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी को हाय, हेलो, गुड इवनिंग। और आप सभी का मैं एक बार फिर से आज की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कर दूं कि जो भी DRCS के ग्रुप में से है, यहाँ पर कोई भी बंदा हो, फटाफट इस लाइव स्ट्रीम को हमारे उस DRCS के ग्रुप में शेयर करो, जल्दी करो। शेयर करने के बाद मुझे बताओ कि सर मैंने शेयर कर दी है, ताकि जिन लोगों को पता नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है, वो लोग हमसे जुड़ पाए। ओके, हाँ, तो आप सभी को हाय, हेलो, गुड इवनिंग। ठीक है मौलिक, थैंक यू सो मच, आपने शेयर कर दी है, इसका आपका बहुत बहुत आभार। चलिए तो अगर आप सभी की अनुमति हो तो हम आज की क्लास को शुरू करें। यस और नो? हाय, हेलो किरित। तो यस और नो में मुझे जवाब बताओ कि आज की क्लास को शुरू किया जाए या फिर अभी इंतज़ार किया जाए, अगर आपके कुछ सवाल हो तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले तो मुझे कुछ चीज़ें क्लियर कर लूँ आपसे मैं, कि आप लोगों में से कितने लोगों ने आज IS 3370 लेकर आए हैं। IS कोड जो है, मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस क्लास के अंदर कि IS 3370 आज की क्लास का, आज की क्लास में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, तो आपको वो लेकर आना है। तो आपने लेकर आया, नहीं लेकर आया, यस और नो में जवाब दो मुझे, जल्दी करो। IS 3370 Part 1, 2, 3, 4, इसमें भी 2 और 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के लिए, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट 4 है। तो IS 3370 कितने के पास है? यस और नो में रिप्लाई तो करो जल्दी फटाफट। यस और नो टाइप करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो आप लोग? क्या बात है, किसी ने IS कोड लेकर नहीं आया? नो सूर्या, मौलिक का IS कोड कहाँ है? किरित का IS कोड कहाँ है? मेहर आज भी नहीं आए, साहिल भी नहीं है आज, लोग भी कम है आज। तो क्या है आपके मूड, पढ़ाई करना चाहते भी हो आज या नहीं? साहिल जादव आइए, इतने कम लोग हैं आज लाइव क्लास में, तो मैं थोड़ा चिंता में जा रहा हूँ, मतलब सोच हो रहे मुझे इस तरह की कि मैं आज क्लास लूँ भी या नहीं लूँ। खैर, कल तो जो मैं आया था, अनएक्सपेक्टेडली आया था, सडनली आया था, लेकिन आज तो मैं आपको नोटिफाई करके आया हूँ ना। ये कोई हमारे बहुत बड़े फैन हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर। तो कल तो मैं ऐसे ही आया था, आज मैं आपको नोटिफाई करके आया हूँ कि आज मैं लाइव क्लास लेने वाला हूँ, उसके बावजूद इतने कम लोग हैं। किरण के पी आई आई, आप सभी लोगों का स्वागत है, और आप सभी लोगों का इंतज़ार कर रहा था मैं, जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो हमें रेगुलरली देखते हैं डेली, तो उन लोगों का मैं इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उनमें से अब मुझे सिर्फ दो ही लोग देखने को मिले हैं, किरण और मौलिक, बाकी लोग पता नहीं कहाँ हैं। और अगर दूसरे नए लोग भी आए हैं तो वो सिर्फ 6 हैं, सो दैट्स नॉट फेयर। पढ़ना है तो देखो, दिल से पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, डिज़ाइन करेंगे यूजिंग IS कोड मेथड, एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक विच इज़ एलिवेटेड, और हम उसे डिज़ाइन करेंगे IS कोड मेथड का इस्तेमाल करके। तो मुझे लगा था कि आप लोग इसको जानने में बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ कॉलेजेस के अंदर ये मेथड स्किप कर दिया जाता है, और मुझे लगा था कि शायद आप इसके अंदर करने में इंटरेस्टेड होगे। लेकिन आज हमारी जो फितरत है वो क्या है पता है, कि जो पूछा जाता है उतना ही करते हैं, जो नहीं पूछा जाता वो हम करते ही नहीं, उसे टच करते ही नहीं हम लोग। तो खैर जो भी है,
अजीत कुमार कह रहे हैं कि सर आई वॉच ऑल योर वीडियोज़ एंड गॉट मैक्सिमम मार्क्स। ओके, चलो अच्छी बात है ये कि आप हमारे वीडियोज़ से अच्छा खासा फ़ायदा उठा रहे हो अपने मार्क्स के अंदर, बहुत अच्छी बात है। और इसी उद्देश्य से हम इन वीडियोज़ को बनाते हैं, जो आप पूरा उसका फ़ायदा ले रहे हो, दैट्स ग्रेट। चलिए, तो भाई आपने से किसी ने गाइस, आप सभी में से किसी ने भी IS 3370 मतलब ये, ठीक है। और दूसरी बात, एक सवाल आपसे एक और पूछ लेता हूँ मैं कि आपको आज का ये लेक्चर जो है अटेंड करना भी है या नहीं, मतलब मूड है भी या नहीं, यस और नो, यस और नो में जवाब दो मुझे। मैं भी सर कॉलेज नहीं जाता, ओनली यूट्यूब। अच्छा ठीक है, तो आज आप लोगों का मूड क्या बोलता है, आज की क्लास आपको अटेंड करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। बहुत कम लोग हैं, IS कोड का पूछ रहा हूँ कब से मैं आपको, कि IS 3370 आप लेकर आए हो या नहीं लेकर आए हो, आपके पास है भी या नहीं, क्योंकि IS 3370 बहुत इम्पोर्टेंट कोड है आज के इस वीडियो के लिए, आज के इस क्लास के लिए, तो आपके पास वो होना अनिवार्य है आज, IS 3370, ठीक है। और साथ साथ अपना एक कैलकुलेटर आपके पास रखना बहुत ज़रूरी है, कागज़ कलम ये भी होना ज़रूरी है, लेकिन मोस्ट और एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट जो उसके अंदर है वो है IS 3370, ठीक है। चलो, तो अब आपके जवाब मुझे आना शुरू हुए हैं, जिसका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छी बात है। अब भाई हम पहले बताओ मुझे कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या किया था, आप में से बताओ ज़रा मुझे, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, कौन से एग्ज़ाम्पल को या कौन से डिज़ाइन को हमने किया था, मुझे आप ये बताओ ज़रा फटाफट। उज्जवल कह रहे कि सर आपने बुक नेम सजेस्ट किया था SJ Shah, उसमें ओनली वाटर टैंक डिज़ाइन है, बंकर साइलोज डेक बुक में नहीं है। अच्छा जी, तो एक काम करो आप उसके लिए भावी कट्टी है और एन सुब्र, हाँ दुग्गल, देखो दुग्गल के अंदर शायद होगा, इसके दुग्गल जो है वो भी एक बढ़िया बुक है, तो उसके अंदर आप देखो शायद बंकर और साइलोज के अंदर हो जाएगा, मुझे पक्का ध्यान नहीं है इसके अंदर भी शायद है या नहीं, लेकिन आप देख लो, ठीक है। इसके दुग्गल आपको शायद लोकली भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अजय कुमार आप पहली बार हो तो अच्छी बात है, आपका स्वागत करते हैं हम। IS 456 की ज़रूरत नहीं इतनी ख़ास है, मतलब लगेगा आज लेकिन ख़ास नहीं, कहीं कबार छोटे छोटे जगह पर IS 456 की ज़रूरत पड़ेगी आपको, लेकिन IS 3370 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सारे जो चीज़ें हैं IS कोड मेथड के जो कोफिशेंट वगैरह होंगे वो हम उसी कोड को इस्तेमाल करके निकालेंगे, ठीक है ना। तो IS 456 अगर आपके पास है तो अपने पास रखो, अगर नहीं है तो कोई चिंता मत करो, ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ओके चलिए। हाँ, तो कल हमने क्या किया था, कल हमने एक एलिवेटेड रेक्टेंगुलर वाटर टैंक को या उसकी टैंक की डिज़ाइन को हमने कम्प्लीट किया था, जो कि अप्रोक्सीमेट मेथड से था। आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में ये करेंगे कि एक IS कोड मेथड से डिज़ाइन करेंगे एक एलिवेटेड वाटर टैंक को, RCC एलिवेटेड वाटर टैंक को, क्या बता रहे हो आप लोग, मतलब मौलिक, हाँ स्लैब को डिज़ाइन किया था, ठीक है। अजीत क्या करेंगे, सेम सर 456 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ आपसे, अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चिंता मत करो आप, 3370 आपके पास होना अनिवार्य है, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब क्या है कि हम आज इस लेक्चर में देखेंगे कि एक यार आप जो है ना, ठीक है, हाँ तो हम आज इसमें क्या देखेंगे कि एक एलिवेटेड रेक्टेंगुलर वाटर टैंक को अगर IS कोड मेथड का इस्तेमाल करके डिज़ाइन किया जाता है तो किस तरह से हमें उसे, उसकी प्रोसीजर को फॉलो करना है, ये सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके यहाँ पर समझेंगे और सीखेंगे, ओके चलिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेना होगा, और एग्जाम्पल शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ऑल नोटिफिकेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सा है ना। एग्जाम्पल क्या है कि रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक या RCC वाटर टैंक इज 4.5 मीटर लॉन्ग, मतलब इसकी जो लेंथ हमें दे रखी है वो कितनी है, 4.5 मीटर की है, ठीक है, 4.5
5 मीटर है इसकी लेंथ, ओके। उसके बाद 2.5 मीटर वाइड, उसके बाद क्या है 2.5 मीटर वाइड, मतलब बी जो है इसका वो क्या है 2.25 मीटर, 2.25 मीटर जो है इसकी विड्थ है, और उसकी जो हाइट है वो भी कितनी है 2.5 मीटर है, ठीक है। ये डायमेंशन आपको दे रखे हैं, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उस तरह से आप लिखते जाइएगा, ओके। तो हमें डायमेंशन यहाँ पर दे रखी है, आगे आपको क्या कहा गया है द, अब ये जरूरी है जरा ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। द वॉल्स आर रिजिडली जॉइंटेड एट द वर्टिकल एजेस एंड पिन जॉइंटेड एट देयर हॉरिजेंटल एजेस। अब ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि वर्टिकल एजेस पे रिजिडली जॉइंट होना मतलब क्या, और हॉरिजेंटल एजेस पे पिन जॉइंट या हिंज जॉइंट होना मतलब क्या। मतलब ये हॉरिजेंटल जॉइंट और वर्टिकल जॉइंट का कई लोगों को समझ में नहीं आता। देखो सिंपल चीज है, वर्टिकल जॉइंट मतलब क्या है, तो वाटर टैंक है इस तरह से, ठीक है। तो ये दो जो वॉल होगी, ये एक वॉल और दूसरी इसके साथ जो दूसरी वॉल, ठीक है, मतलब एक लॉन्गर वॉल और शॉर्टर वॉल, उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन वो वर्टिकल होगा, ठीक है, वो वर्टिकल जॉइंट हो गया पूरा। तो उस वर्टिकल जॉइंट को जो है वो हम उसे यहां पर क्या कह रहे हैं लोग कि भाई वो वर्टिकल एज है, और वर्टिकल एज जो आपकी है क्योंकि वो एक दूसरे से रिजिडली जॉइंट होती है तो वो फिक्स जॉइंट है, ठीक है, वो क्या है फिक्स है या रिजिड है, तो वर्टिकल जॉइंट हमारा फिक्स हो गया। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, हॉरिजेंटल जो आपके जॉइंट है वो पिन है या फिर हिंज है। तो हॉरिजेंटल मतलब क्या है कि आपका जो स्लैब है, टॉप स्लैब और बॉटम स्लैब जो वॉल के साथ उनके जॉइंट है वो हिंज है, वो फिक्स या रिजिड नहीं है, वो हिंज है, ठीक है। तो ये आपके जो भी सवाल है ना, जरा एक मिनट के लिए आप ठहर जाओ, मैं अपना कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आपके सवालों के जवाब दे देता हूँ। बार बार आप बीच बीच में इस तरह से सवाल पूछ लेते हो तो मेरी लिंक जो है, मैं जो बोलने जाता हूँ वो फिर रह जाती है, ठीक है। तो मैं कंप्लीट कर लूँ, एक बार आपके सवाल के जवाब मैं सारे दूंगा, चिंता मत करो। तो क्या है कि आपके जो वर्टिकल एजेस हैं, यहाँ पर बताया गया कि वॉल टू वॉल जो कनेक्शन है वो आपका फिक्स है, वो आपका रिजिड है, और वॉल टू स्लैब जो कनेक्शन है चाहे वो टॉप हो या बॉटम हो दोनों तरफ से वो क्या है हिंज है या पिन है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये दो हमें इस तरह से दे रखा हो, और इसका आपको बहुत आगे ज़रूरत पड़ेगी। IAS कोड के अंदर आपको अलग अलग केसेस दे रखे, तो ये आपका एक केस है समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दे रखा है कि डिज़ाइन द टैंक If it is supported on all sides under the wall, मतलब एक मैसनरी वॉल के ऊपर वो supported है चारों तरफ से, use M30 concrete and Fe415 steel, use IS code method, आपको IS code method से इसे डिज़ाइन करना। ये हमें एक सवाल पूछा है जिसका हमें अब जवाब डिज़ाइन के फॉर्म में देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के कुछ सवाल देख लेता हूँ यहाँ पर। आप लोगों ने क्या कहा था, उज्ज्वल वॉल बॉटम स्लैब मीन्स हॉरिजेंटल, हाँ वॉल का जो बॉटम स्लैब है वो हॉरिजेंटल, हाँ जी। और GPSC मार्टे बेस्ट बुक कौन सी है, आप कहाँ से हो, और चलो ठीक है, जो भी है इंपॉर्टेंट कुछ सवाल आपके इतने थे नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन अपना। तो हमें ये सारे जो है डेटा या क्राइटेरिया दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करनी है एक RCC एलिवेटेड वाटर टैंक को यूजिंग IAS कोड मेथड। सबसे पहला हमारे पास क्या स्टेप होता है, आपको पता है कि हम लॉन्ग वॉल को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, हमारे पास ये क्योंकि रेक्टेंगुलर है ना, तो लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल और स्लैब को डिज़ाइन करना होगा। तो जब लॉन्ग वॉल हम डिज़ाइन करेंगे, तो लॉन्ग वॉल को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर हमारे पास मोमेंट, शीयर, मतलब मोमेंट और टेंशन हमें निकालना होता है। अप्रॉक्सीमेट मेथड के अंदर हमने पहले मोमेंट और टेंशन निकाला था, उसके बाद रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया था, फिर हम शॉर्ट वॉल के ऊपर आगे बढ़ गए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर IS 3370 ने आपको कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, ठीक है। आपको बता दूँ, अगर मैं IAS कोड के अंदर IS 3370 में पार्ट 4 में चले जाओ, आप ये आपके पास IAS कोड होना ज़रूरी, आप अपना IAS कोड ओपन करो, चलो जल्दी जल्दी अपना IAS कोड ओपन करो, जल्दी करो, IAS कोड में चले जाओ फटाफट। आप कहाँ पर जाओगे, पार्ट 4 के अंदर, ठीक है, पार्ट 4 में देखो आपके पास जो है पार्ट 4 में पेज नंबर 14 से कुछ टेबल दे रखे हैं। IAS कोड मेथड के अंदर आपको मोमेंट कोफिशिएंट यूज करने होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोमेंट कोफिशिएंट एंड वर्टिकल मोमेंट कोफिशिएंट MX और MY। तो यहां पर आपको दो
जो मोमेंट कोफिशियंट है वो डिपेंड करते हैं आपकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन या केसेस के ऊपर, है ना। अगर आप टेबल नंबर सॉरी अगर आप पेज नंबर 14 पे गए हो तो 14 के अंदर टेबल नंबर 1 दे रखा है, आपके पास पहले कौन सा केस है इस केस के मुताबिक आपको, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टेबल दे रखे हैं यहाँ पर। मैं आपको बता दूँ टेबल जो है टोटल 9 या 10 टेबल दे रखे हैं आपको, ठीक है। टोटल यहाँ पर 10 अलग अलग टेबल दे रखे हैं, उसमें से आपके लिए कौन सा टेबल प्रिफरेबल है आपकी कंडीशन के मुताबिक उसके अंदर से क्लेरिफाई करना होगा। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि हमारे पास सबसे पहले कंडीशन वाटर टैंक है, वाटर टैंक के बाद उसकी जो वर्टिकल एजेस है वो फिक्स हैं और जो टॉप और बॉटम है वो हिंज है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो टेबल वन आपको क्या कहता है, ये कई लोग इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम टेबल कैसे सिलेक्ट करें, तो वो उनके लिए मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये टेबल वन के अंदर क्या है कि भाई मोमेंट कोफिशियंट फॉर इंडिविजुअल वॉल पैनल टॉप एंड, अब हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, हम टैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल अलग है। उसके बाद टेबल नंबर 2 क्या कर रहा है कि मोमेंट कोफिशियंट फॉर इंडिविजुअल वॉल, अगेन वॉल पैनल, ठीक है, इंडिविजुअल की बात हम नहीं कर रहे। उसके बाद मोमेंट कोफिशियंट, टेबल नंबर 3 भी वही कह रहा है, 3 के बाद क्या 4 भी वही कह रहा है, ठीक है, कि भाई सॉरी 4 क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म लोड ऑन रेक्टेंगुलर प्लेट, ओके। और अगर हम टेबल नंबर 5 की बात करें, अगर हम टेबल नंबर 5 की बात करें तो टेबल नंबर 5 हमें क्या कहता है, मोमेंट कोफिशियंट फॉर टैंक। अब ये टैंक मतलब हमारा केस यहाँ पर है, हमारा केस यहाँ से शुरू होते हैं। तो मोमेंट कोफिशियंट फॉर टैंक विथ वॉल्स फ्री एट टॉप एंड हिंज एट बॉटम, ऊपर वो फ्री है और बॉटम में हिंज है। लेकिन हमारा केस क्या है, हमारा केस ये है कि यहाँ पर जो है ये हमारे पास ऊपर टॉप में भी क्या है, हिंज है, मतलब पिन है जो कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिएक्शन को तो रेजिस्ट करेगी या देगी, लेकिन मोमेंट को वो रेजिस्ट नहीं करती है, ठीक है, मोमेंट या रोटेशन यहाँ पर फ्री हो सकता है, ठीक है। तो ये मोमेंट नहीं करता, उसे हम हिंज या पिन जॉइंट कहते हैं, ओके। अगर आप उसको गूगल करके देखोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे पिक्चर क्लियर हो जाएगी वहाँ पर, है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो हमारा केस है वो दोनों तरफ से ऊपर और नीचे से हिंज है। पांचवा टेबल हमें क्या कहता है कि भाई आपकी वॉल ऊपर जो है वो फ्री है, बॉटम में हिंज है, जो हमारा केस नहीं है। तो आपको पांचवे टेबल को प्रीफर नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, छठे टेबल के ऊपर जाइए, गो ऑन सिक्स्थ टेबल, ठीक है। अगर हम सिक्स्थ टेबल की ओर जाते हैं तो हमें सिक्स्थ टेबल क्या कहता है भाई साहब के मोमेंट कोफिशियंट फॉर टैंक्स, मोमेंट कोफिशियंट फॉर टैंक्स विथ वॉल्स हिंज एट टॉप एंड बॉटम, मतलब दोनों तरफ ऊपर और नीचे अगर आपकी वाटर टैंक हिंज जॉइंट है उसके अंदर, तब आपको इस टेबल का इस्तेमाल करना है और इसी में से आपको मोमेंट कोफिशियंट को निकालना है। तो इसका मतलब जिस चीज़ की हमें तलाश थी, जिस टेबल को हम ढूंढ रहे थे, वो टेबल यहाँ पर हमें मिल गया है, जिसकी हमें अब तलाश यहाँ पर पूरी हुई। अब टेबल हमें मिल गया है, अब देखो धीरे धीरे क्या है, हमारे पास पहले वाइड एरिया था ना, हम उसको धीरे धीरे अंदर उसको एरिया को उस उन सवालों को हम कम करते जाएंगे। देखो हमारे पास टेबल मिल गया, सबसे पहला सवाल। अब टेबल के अंदर से हमें क्या, टेबल के ऊपर देखो दे रखा है हॉरिजेंटल मोमेंट और वर्टिकल मोमेंट, हमें यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी है, ठीक है, हॉरिजेंटल मोमेंट और वर्टिकल मोमेंट हमें यहाँ पर दे रखी है, ओके। हमें यहाँ पर उसके फॉर्मूले भी दे रखी है कि हॉरिजेंटल मोमेंट का फॉर्मूला है MyWh² और वर्टिकल मोमेंट का फॉर्मूला है MxWa² अब यहाँ पर जो नोटेशंस है ए बी और सी, इसका मतलब क्या है, देखो ए का मतलब है यहाँ पर ए इज इक्वल टू एच, मतलब हाइट, टैंक की हाइट, ए का मतलब एच है। बी, स्मॉल बी का मतलब उसकी लेंथ है, टैंक की लेंथ, और स्मॉल सी का मतलब है टैंक की विड्थ। इसके अंदर भी कई लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि सर ये डायमेंशन हमें कोड में कैसे दे रखे हैं, ये हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ए का मतलब है कैपिटल एच, बी का मतलब है कैपिटल एल, और सी का मतलब है बी। ये तीनों डायमेंशन आपको पहले क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा आगे, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है, अब देखिए हमें फॉर्मूले उसके अंदर दे रखे हैं कि फॉर्मूला क्या है भाई साहब, हॉरिजेंटल मोमेंट मतलब MH इज इक्वल टू MyWa² मतलब WH² और W क्या है उसके अंदर, W इज नथिंग बट गामा W, वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ठीक है। तो वो गामा W को W से डिनोट कर रहा है, IS कोड ने नीचे नोट के तौर पे दे रखा है, ठीक है। तो वो W मतलब गामा W होता है, ओके। तो ये हो रहा है गामा W इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल मोमेंट के लिए MX इंटू WH²
गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर मतलब। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हमें वहां पर दे रखे हैं, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने वहां पर रेनफोर्समेंट बेंडिंग मोमेंट के लिए प्रोवाइड करनी होती है। अब इसके अंदर देखो mx और my जो है, ये जो कोफिशियंट में से कहते हैं, ये आपको इन टेबल से निकालने होते हैं। अब ये कोफिशियंट किस तरह से निकाले जाते हैं, इसके ऊपर आपको थोड़ी यहाँ पर चर्चा करने की ज़रूरत है। देखो कोफिशियंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस टेबल को पहले तो समझना होगा। इस टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ दे रखी है वो दो रेशियो के बेसिस पर दे रखी है। एक तो है आपके पास एल बाई बी रहा है आपके पास सॉरी एक तो है L by H रेशियो और दूसरा है B by H रेशियो। आपके पास एक रेशियो कौन सा है L by H रेशियो और दूसरा रेशियो है B by H रेशियो, ठीक है। ये दोनों रेशियो के बेसिस पर आपको वहां से दोनों मोमेंट के कोफिशिएंट की वैल्यूज को निकालना होगा। ओके, इतना समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, मैं कोई ज्यादा स्पीड में या ज्यादा कंफ्यूज लैंग्वेज के अंदर तो बात नहीं कर रहा हूं, जरा मुझे बताओ आप समझ में आ रहा है तो यस बोलो, समझ में नहीं आ रहा तो नो लिखो, जल्दी करो। तब तक मैं कुछ लोगों के यहाँ सवाल देख लेता हूँ। समझ में आ रहा है तो यस लिखो, समझ में नहीं आ रहा तो नो लिखो, ठीक है। उज्जवल करे कि हिन जॉइंट से वाटर लीकिंग नहीं है, नहीं वो हिन जॉइंट से वाटर लीकिंग नहीं होता है, वो आप जिस तरह से उसे इमेजिन कर रहे हो उस तरह से वो जॉइंट नहीं लगाए जाते हैं, ठीक है, उसका तरीका अलग होता है लगाने का। ओके, तो समझ में आ रहा है तो यस लिखो, समझ में नहीं आ रहा है तो नो लिखो। भावेश को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है भावेश, आप थोड़ा सुनते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर जो टेबल है, दो रेशियो के बेसिस पर हम इन टेबल्स को, इन टेबल में से उन दोनों मोमेंट के कोफिशिएंट को निकालते हैं, ठीक है। एल बाय एच रेशियो, बी बाय एच रेशियो, ओके गॉट इट। चलो, अब हमारे पास जो एल बाय एच रेशियो है वो कितना है, कोई बताएगा मुझे? हमारे पास एल है 4.5, एच है 2.25। अब मुझे जरा L by H रेशियो की वैल्यू बताओ कितनी है हमारे पास, जल्दी कैलकुलेट करो और L by H रेशियो का मुझे मतलब बताओ। हिन जॉइंट का मतलब इन कंस्ट्रक्शन साइट, हिन जॉइंट का मतलब इन कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब हम उसे पिन कह सकते हैं, जनरली उस पर पिन कहते हैं लोग कि भाई यहाँ पर पिन, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वो बहुत रेयरली इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादातर फिक्स जॉइंट ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, तो क्या है, 2 आ रहा है आपका, ओके, एल बाय एच रेशियो 2 आ रहा है, ठीक है। बी बाय एच रेशियो कितना आ रहा है, वॉट इज द वैल्यू ऑफ बी बाय एच रेशियो, इसको कैलकुलेट करके बताओ मुझे कि बी बाय एच रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है। कह रहे रोहित यादव क्या करे कि सर आप वन वे स्लैब का प्रॉब्लम कब ले रहे, वन वे स्लैब का प्रॉब्लम ऑलरेडी हम ले चुके हैं ना भाई साहब, आप हमारे प्रीवियस क्लासेस को देखो, आपको वहां पर पता चलेगा, ठीक है। तो बी बाय एच रेशियो जो है 1 आ रहा है, B by H रेशियो 1 आ रहा है और ये L by H रेशियो 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों चीजें यहां पर आपको पता चल गई। अब आपको उस टेबल के अंदर देखना है, टेबल के अंदर देखो B by A, B by A आपको बता रहा हूं, मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है सारी चीजें, एक मिनट मैं इसे रफ कर देता हूं जरा, आपको सब कुछ जो है क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन कहीं नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है। इसको अपन जो है थोड़ा क्लियर कर देते हैं, आपको एक अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। हाँ, तो बी बाय एच सॉरी बी बाय ए मतलब क्या है, ये है एल बाय एच, ठीक है, बी बाय ए, क्योंकि एल मतलब क्या है, बी, बी मतलब एल, तो ये एल और बी, ठीक है, और ए मतलब एच, तो बी बाय ए और ये आपका बी बाय एच जो है, मतलब ये हो रहा है आपका सी बाय ए, ठीक है, ये हो रहा है आपका सी बाय ए। तो ये आपको इस टर्म के अंदर वहां पर वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, इन दोनों टर्म्स के ऊपर कि भाई b बाय ए का हॉरिजेंटल और c बाय ए का वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम। चलिए अब बात करते हैं, हमारे पास जो है b बाय ए हमारे पास 2 है ना, b बाय ए हमारे पास 2 है, 2 है। अगर हम टेबल नंबर 6 के अंदर पेज नंबर 27 के ऊपर जो टेबल है उसके अंदर देखिए अगर हम, तो b बाय ए की वैल्यू वहां पर 3 है और अब पहले b बाय एल की सॉरी b बाय ए की वैल्यू 3 है, हमारे पास 2 है, तो 3 वाली वैल्यू तो नहीं चलेगी, तो आप आगे बढ़ो जरा 28 पर जाओ। देखो 28 पर आपको जो है सेम टेबल दे रखा है, लेकिन उसके b बाय ए की वैल्यू कितनी है, 3 है उसके अंदर भी, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, b बाय ए की वैल्यू 2 ढूंढो, जहां पर 2 है वहां पर, ठीक है। तो पेज नंबर 30 के ऊपर अगर जाओगे आप, पेज नंबर 30 के ऊपर अगर आप जाते हो, तो वहां पर आपको जो है b बाय ए,
पेज नंबर 30 के ऊपर जाइए, ठीक है। वहां पर आपको टेबल नंबर 6 सेम टेबल है, कंटिन्यू कर रखा है उन्होंने, तो वहां पर b बाय a की वैल्यू 2 है। ऊपर अगर आप ब्रैकेट सॉरी रो में देखोगे हॉरिजॉन्टल में, तो वहां पर b बाय a इज इक्वल टू 2 है। तो हमें b बाय a की तलाश थी, वो हमें मिल गई है, ठीक है। अब बात करते हैं c बाय a के कॉलम के अंदर कि भाई c बाय a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो c बाय a की वैल्यू 1 कहां पे हो रही है वो भी जरा देख लो। तो देखो उसी टेबल के अंदर उसी पेज नंबर में c बाय a का जो कॉलम है उसके अंदर देखो आपकी नीचे से तीसरे नंबर पे c बाय a की वैल्यू 1 है, नीचे से तीसरे नंबर पे c बाय a की वैल्यू 1 हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है ये यहां पर l बाय h और b बाय h इन दोनों की चीजें जो हम ढूंढ रहे थे वो हमें दोनों मिल चुके हैं। अब हमें इन दोनों के अकॉर्डिंगली क्या करना है कि भाई मोमेंट कोफिशिएंट जो है हमारे पास mx और my उन दोनों वैल्यूज को निकालना है, ठीक है। लेकिन IS कोड ने उसके लिए भी आपको कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू b बाय 4, y इक्वल टू b बाय 2, z इक्वल टू c बाय 4, z इक्वल टू 0। ये क्या है, ये आपके डिस्टेंस है, ये सेंटर पे एजेस पे ये इस तरह से डिस्टेंस है आपकी, ठीक है। तो ये आपको IS कोड ने दे रखा है। हमें कौन कौन से फ्रैक्शन की जरूरत है, y हमारे पास एक तो 0 होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक मिनट जरा, वाई जीरो कहाँ होगा और वाई जीरो कैसे होगा। इसके अंदर भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आपके कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर कर देते हैं अपन, चिंता मत करो आप, ओके। इतना आपको समझ में आ गया कि इन सब टेबल्स को किस तरह से आप देखोगे, यस और नो, यस और नो के अंदर जवाब दो मुझे। अब तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ओके हाँ। तो चलिए अब क्या करना है आपको यहां पर कि भाई आपके पास जो है सब चीज यहां पर है, ओके। अब हम जो है हमारी वैल्यूज को निकालेंगे। IS कोड ने आपको जो है कुछ वहां पर फ्रैक्शन दे रखे, y इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद है y इक्वल टू b बाय 4, उसके बाद है y इक्वल टू b बाय 2, उसके बाद है z इक्वल टू c बाय 4 और z इक्वल टू 0, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट आपको कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं, ओके। अब आपके पास अगर बुक है तो आप बुक ओपन कीजिए ज़रा, आपके पास अगर बुक है तो आप बुक ओपन कीजिए, या फिर IS कोड के अंदर भी वो टैंक जो है उसकी वैल्यूज दे रखी है, मतलब उसका जो फिगर था वो आपको दे रखा है IS कोड के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास बुक है ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये जो फिगर है ना, इस फिगर को आपको अब देखना है, ओके। इस फिगर को आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है ज़रा। 3D मेरी ड्राइंग जो है वो थोड़ी ख़राब है, तो मैं 3D में यहाँ पर कोशिश करूँगा, अगर ड्रॉ हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है, ओके। इस तरह से है, ड्राइंग की पहले से आदत है नहीं मुझे एक्चुअली, ठीक है, इसलिए ज़्यादा उम्मीद भी मत रखना, ओके। जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ समझ लीजिएगा थोड़ा विजुअलाइजेशन, वैसे भी हम इंजीनियर्स हैं तो विजुअलाइजेशन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो भाई इस तरह से ये टैंक आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये हमारी टैंक है, ये अंदर का हिस्सा है, अंदर पानी होगा, ओके। ये हमारी जो है लॉन्ग वॉल है, ये हमारी जो है लॉन्ग वॉल है, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर लॉन्ग वॉल, ये हमारी शॉर्ट वॉल है, ठीक है, ये हमारी शॉर्ट वॉल है, ओके। अब IS कोड के हिसाब से क्या है कि उन्होंने हमें यहाँ पर एक्सिस वगैरह दे रखी है, IS कोड के अंदर ही एक्सिस में दे रखी है कि ये जो एक्सिस है इस तरह से जो पास हो रही है यहाँ से, ठीक है, और ये एक एक्सिस इस तरह से यहाँ से पास हो रही है और ये एक एक्सिस अंदर पास हो रही है, ठीक है। इसे एक्स एक्सिस कहा गया है, इसे जेड एक्सिस कहा गया है और इसे जो है वाई एक्सिस कहा गया है, ठीक है। ये आपको अब समझना है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस आपकी वर्टिकली जा रही है अंदर, ठीक है। तो ये आपको तीन एक्सिस दे रखी है। अब ये जो वाई की वैल्यूज है, जेड की वैल्यूज है, ये इन तीनों एक्सिस के मुताबिक आपको लेनी होती है कि इसके अंदर आपका सेंटर कौन सा होगा, मतलब सेंट्रल मोमेंट कोफिशियंट कौन सा होगा और सपोर्टिव या सपोर्ट मोमेंट कोफिशियंट आपका कौन सा होगा। अब इन सब चीजों के आपको अंदर समझना है जरा, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा, आपके जो भी सवाल है
दो मिनट के लिए ज़रा ठहरिए, बाद में आप मुझसे वो सवाल पूछ लीजिएगा। वैसे भी अगर आप सवाल पूछोगे भी तो मैं देखूंगा नहीं, मुझे पहले समझाने दीजिए पूरा ये, ठीक है, उसके बाद मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है ये, हमें यहाँ पर इतनी चीज़ें दे रखी है, ओके। अब हमें पता है कि ये जो टैंक है, अगर मैं इस हिस्से को अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, ये एक एक टुकड़ा, ये टैंक चार हिस्सों में हमने बांट दी, एक दो तीन चार, एक हिस्सा अगर मैं काट लूँ इस टैंक का, ये वाला जो हिस्सा अगर मैं काट लूँ इस टैंक का, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस तरह से एक चौथा हिस्सा अगर मैं काट लूँ इसका, ये वाला, ठीक है। तो अब आपको इमेजिन करना होगा कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट जो इसका, ये जीरो जीरो है, यहाँ पर सब कुछ क्या है, जीरो जीरो है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, सिंपल चीज़ है, ओके, बहुत सिंपल चीज़ है आपके लिए। यहाँ पर y इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो आपका ये y इक्वल टू जीरो जो है, इसके कॉलम में आपके IS कोड के अंदर, इसके y इक्वल टू जीरो वाले कॉलम में आपका जो मोमेंट कोफिशियंट होगा mx या my, वो आपका सेंटर में यूज़ करोगे आप या सपोर्ट में यूज़ करोगे, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कि भाई वाई इक्वल टू जीरो अगर है तो आप उसके नीचे जो उसके कॉलम में मोमेंट कोफिशियंट आपको दे रखे हैं IS कोड के टेबल में, उसे आप सेंटर में यूज़ करोगे, मोमेंट एट सेंटर या फिर मोमेंट एट सपोर्ट के लिए यूज़ करोगे। तो क्या, किस तरह से पता लगाया जाता है, ये ज़रा आप सुन लीजिएगा। चलिए, तो वाई इक्वल टू जीरो, अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक अगर हम देखें तो y, क्योंकि ये जीरो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सब ये जीरो जीरो है, ठीक है, ये हमने एक टुकड़ा पूरा काट लिया उसमें से, ठीक है, तो यहाँ सब जीरो जीरो है। तो y अगर y की वैल्यूज कुछ होगी तो वो किस दिशा में बढ़ेगी, इस दिशा में बढ़ेगी, क्योंकि y इधर जा रहा है, ठीक है, y उधर जा रहा है। तो y की वैल्यू अगर मान लीजिए मैं मैं 4 लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ठीक है, यहाँ पर तो मतलब y की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि y इक्वल टू जीरो है, y इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ पर, मतलब ये जो एक्सिस है यहाँ पर जो बीच में होगा, ये यहाँ पर जो है लॉन्ग वॉल का सेंटर जो होगा, वहाँ पर y की वैल्यू जीरो होगी, वहाँ पर क्या होगी, y की वैल्यू जीरो होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर y जो है जीरो है, ये y का बिल्कुल शुरुआती पॉइंट है, y का स्टार्टिंग पॉइंट है, जीरो ऑर्डिनेट वहां पर है, तो उस दिशा में यहां पर जो इसको वो कट करेगा लॉन्ग वॉल को, वो हमारा जो है सेंट्रल मोमेंट कोफिशियंट होगा। मतलब y इज इक्वल टू हम कह सकते हैं मोमेंट एट सेंटर या फिर मोमेंट कोफिशियंट एट सेंटर। समझ आई मेरी बात आपको, यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है आपको, इतना बता दो जरा मुझे, ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे अभी, आपका कंफ्यूजन मैं देख लेता हूं जो भी होगा, ठीक है, नहीं है तो फिर मुझे ऑल राइट करके लिख दो फटाफट, ओके। तो ये यहाँ पर y इक्वल टू जीरो, अब आप इस अपने हिसाब से आप इसको नामकरण दे दो, यहाँ पर जो भी नाम आपको देना है आप दे दीजिए, ठीक है, जो भी नाम आपको देना है आप दे दीजिए, यहाँ पर CD कर दो या AB कर दो या FG कर दो, जो भी आपको देना है। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ, ठीक है, आपकी फरमाइश के ऊपर। देखो करना क्या है आपको, आपके पास ये इस तरह से टैंक, ये पूरी आपकी टैंक है जिसको मैंने चार हिस्सों में बांट दिया है, मैंने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, ठीक है, चार इसके अलग अलग हिस्से हो गए। अब एक जो हिस्सा है, एक जो क्वार्टर हिस्सा है इसका, ठीक है, उसके अंदर आधी शॉर्ट वॉल है, आधी लॉन्ग वॉल है और ये एक सेंटर है, बीच में एज है, ठीक है, सपोर्ट है, ओके, बाकी सारी चीजें उसके सिमेट्रिकल होगी, इसलिए मैंने उस एक टुकड़े को कंसिडर किया है। अब एक टुकड़े का जो ये मान लीजिए सेंटर है, ये आपकी पूरी टैंक जो है इसका ये सेंटर है, जहां पर ये जो एक्स, ये जो वाई एक्सिस है और ये एक्स जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, इसका ये जीरो जीरो ऑर्डिनेट है। आपको ये ऑर्डिनेट सिस्टम जो है सारा IS कोड ने दे रखा है। अगर आपके पास IS 3370 है तो आपको वहां पर पता चलेगा कि वहां पर जो ऑर्डिनेट है वहां पर आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो उसी ऑर्डिनेट को हम यहां पर बता रहे हैं, ठीक है ना, ये कोई मैं अपने जेब से नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आपके पास IS कोड है या नहीं है तो मैं एक बार बता दूं आपको, ठीक है, देखो ये जो IS कोड के अंदर दे रखा है ना आपको, ये चीज़, ओके, ये चीज़ आपको वहाँ पर दे रखी है, ठीक है ना, उसी को मैं एलोबरेट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो क्या है कि एक टुकड़ा हमने काट लिया, यहाँ से ये वाई एक्सिस है, ये हमारी जेड एक्सिस है और ये हमारी अंदर वर्टिकल जो है एक्स एक्सिस है, जिसका कोई प्रभाव इसके अंदर नहीं है। अब IS कोड में हमें ये चार फ्रैक्शन, ये चार चीज़ें दे रखी है कि भाई y इक्वल टू जीरो पे निकालो, y इज इक्वल टू b/4 पे निकालो, y इक्वल टू b/2 पे निकालो, z इक्वल टू c/4 पे निकालो और z इक्वल टू जीरो पे आप सारे
कोफिशियंट निकालो। लेकिन हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे फ्रैक्शन के ऊपर हमें वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें तो सिर्फ मोमेंट सेंटर पे निकालना है और सपोर्ट पे निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इनमें से y इक्वल टू सेंटर पे कब आएगा और y की वैल्यू सपोर्ट पे कब आएगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि भाई हम पहले देखें y इक्वल टू जीरो। अगर y इक्वल टू जीरो हम देखें तो y इक्वल टू जीरो होगा कहाँ पर, y इक्वल टू जीरो होगा कहाँ पर? तो देखो y की वैल्यू कुछ, अगर कोई भी वैल्यू होती है y की, ठीक है, एक्स वाई जेड अगर कोई वैल्यू हो रही है y की, तो y की वैल्यू इस दिशा में होगी क्योंकि y एक्सिस ये हमारी ये है ना, y एक्सिस हमारी ये है ना। तो अगर मैं y की कुछ वैल्यू रखूंगा तो इस दिशा में बढ़ूंगा, इस दिशा में, ठीक है। लेकिन y की वैल्यू मैं अगर मान लीजिए आईएस कोड कहता है कि y की वैल्यू जीरो है, तो कहाँ पर है, तो जीरो कहाँ पर है, तो देखो जीरो जो है यहाँ पर है, और ये जो लाइन है ये कहाँ कट कर रही है आपकी, लॉन्ग वॉल की सेंटर में आपकी लाइन को ये कट कर रही है ना, लॉन्ग वॉल के सेंटर में आपकी वॉल को ये सेंटर में कट कर रही है यहाँ पर जीरो, इसकी वैल्यू। समझ आ रही है आपको बात में, यस और नो समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो ये जो कट हो रहा है ये सेंटर सी डी, हम उसे कह देते हैं कि भाई सी डी पे या सी पर ये कट हो रहा है, ठीक है, सी पर ये कट हो रहा है। मतलब ये क्या है कि आपका लॉन्ग वॉल का सेंटर है, लॉन्ग वॉल का ये क्या है, सेंटर है। मतलब y इक्वल टू जीरो पे जो कोफिशियंट होगे वो लॉन्ग वॉल की जो सेंटर मोमेंट होगी, मोमेंट एट सेंटर ऑन द लॉन्ग वॉल, उसके अंदर यूज किए जाएंगे। समझ आई आपको यहां तक बात है, सिंपल है, ओके। अब बात करते हैं y इक्वल टू, अब देखो b बाय फोर इट इज नॉट द सेंटर, b बाय फोर मतलब हम तीसरे h बाय थ्री या h बाय फोर के हिस्से पे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें मैंने बताया आपको हम सेंटर पे और सपोर्ट पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो b बाय फोर का क्वार्टर यहां पर हम जो ये फ्रैक्शन है इसे कैंसिल आउट कर देंगे। अब बात करते हैं y इक्वल टू b बाय टू, b बाय टू मतलब हाफ होता है, ठीक है, हाफ। तो ये कहां पर होगा, b बाय टू कहां पर होगा, b बाय टू कहां पर होगी, b बाई टू या फिर l बाई टू कह लो, ठीक है, l बाई टू या b बाई टू जो भी आप कह लो कह सकते हो, ठीक है। तो यहां पर l बाई टू कितना और कहां पर होगा, तो देखो हम अगर देखें तो पूरा जो लॉन्ग वॉल है इसकी लेंथ कितनी है, l है, पूरी लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी है, l है। समझ आ रही बात है मेरे आपको, ठीक है, पूरी लॉन्ग वॉल की लेंथ यहां पर l है, ओके। अगर मैं इसको, क्योंकि हमने यहां से सेंटर में डिवाइड करे तो ये l बाई टू हो गया, ये इधर से l बाई टू हो गया, दो हिस्सों में बांट दिया हमने लॉन्ग वॉल को, ठीक है। अब क्या बोल रहे लोग कि l y की वैल्यू l बाई टू, मतलब y यहां पर जीरो है, अगर l बाई टू ले जाओगे तो कहां पर जाओगा मैं, यहां पर जाओगा, पूरा इस वॉल पे आके अटक जाऊंगा मैं, ठीक है, इस वॉल पे अटक जाऊंगा मैं, ठीक है ना, y की वैल्यू यहां पर जा रही है मेरी। इसका मतलब क्या है कि ये जो एज है, ठीक है, y की वैल्यू यहां तक आके चली जाएगी, यहां तक आते पहुंच जाएगी, ठीक है, इसके अंदर आपको भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। y की वैल्यू आपकी डायरेक्ट कहां पर आ जाएगी, एज पर आ जाएगी, कहां पर आ जाएगी आपकी y की वैल्यू, एज पर आ जाएगी। इसका मतलब ये है आपका y बाय टू, सॉरी l बाय टू जो है वो इस एज पर हो जाएगा। इसके नीचे जो भी कोफिशियंट आपके इस्तेमाल होंगे वो सारे कहां पर होंगे, आपके एज के होंगे, सपोर्ट के होंगे। l बाय टू के सारे कोफिशियंट कहां होंगे, l बाय टू के सारे कोफिशियंट सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए, बिकॉज l बाय, देखो y यहां पर जीरो था, y यहां पर जीरो था और यहां पर l बाय टू हम आगे बढ़ गए, तो ये क्या हो गया, जीरो, l बाय टू हो गया, ठीक है, मतलब ये एज पर आ गए, सिंपल चीजें हैं। अब हम बात करते हैं z c बाय फोर, c बाय फोर वाला, b बाय फोर वाला, l बाय फोर वाला फ्रैक्शन में इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, जीरो और l बाय टू या b बाय टू। तो अब z इक्वल टू जीरो की बात करें कि z इक्वल टू जीरो कहां होगा, तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो है जेड के लिए जीरो है, z के लिए जीरो है, और z की अगर कोई वैल्यू होगी तो वो किस दिशा में होगी, इस दिशा में बढ़ेगी, z की वैल्यू इस दिशा में बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या बता रहा है कि z की वैल्यू जीरो कहां पर है, तो z की वैल्यू जीरो कहां पर है, तो देखो ये जीरो वाला जो पार्ट है ये शॉर्टर वॉल को जो है इसके सेंटर से कट करते हुए निकलेगा आगे, y एक्सिस पे, मतलब z की वैल्यू जीरो होगी, इन शॉर्ट y एक्सिस पे z की वैल्यू जीरो होगी, जो कि आपकी y की एक्सिस जो है वो शॉर्टर वॉल को बीच से कट करते हुए आगे निकल रही, मतलब वहां पर z की वैल्यू जीरो होगी। यस और नो, समझ आ रहा है आपको, यस और नो, जल्दी करो रिप्लाई करो मुझे, काफी लोग जो है शायद बोर होके, कंफ्यूज होके ऑफलाइन हो चुके हैं, खैर कोई बात नहीं, जो भी है वो सुन लो जरा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, हाँ, वेक्टर वाला इसके अंदर कंसेप्ट कुछ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये जो है इसे हम यहाँ पर देखो ई कह दो, ई एफ या जो भी आपको नामकरण देना, देखो नामकरण आपके आपके हाथ में, ठीक है, ये आपके हिसाब से आप दे सकते हो, ई एफ जो भी है,
या फिर ई एफ नहीं देना चाहते हो, सिर्फ ई देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने सारे जो है हमें वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू एल बाई टू और जेड इक्वल टू जीरो, तीन डिफरेंट हमने फ्रैक्शन यहाँ पर डिसाइड किए हैं, जो कि आपका एल इक्वल टू सॉरी वाई इक्वल टू जीरो जो है वो लॉन्ग वॉल का सेंटर बताता है, जेड इक्वल टू जीरो जो है वो शॉर्ट वॉल का सेंटर बताता है, और वाई इक्वल टू एल बाई टू जो है वो आपको एज बताता है, सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट बताता है, ठीक है। मौलिक क्या करे कि जेड इक्वल टू जीरो तो शॉर्ट वॉल में, जेड इक्वल टू जीरो शॉर्ट वॉल में, आपका ये कंफ्यूजन है, ठीक है, क्या बता रहे हैं आप जेड इक्वल टू जीरो, एक मिनट में आपकी कमेंट फिर से पढ़ लो, जेड इक्वल टू जीरो तो शॉर्ट वॉल में आएगा ना, हाँ तो जेड इक्वल टू जीरो शॉर्ट वॉल में ही तो आ रहा है, जेड इक्वल टू जीरो शॉर्ट वॉल का सेंटर हो रहा है ना, जेड इक्वल टू जीरो शॉर्ट, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर जेड जीरो है, ये एक्सिस के ऊपर जेड जीरो है ना, तो जेड जीरो मतलब शॉर्ट वॉल के सेंटर में आ रहा है ना, शॉर्ट वॉल का सेंटर के ऊपर जो भी मोमेंट होगी, मतलब आपके टेबल के अंदर, टेबल के अंदर जेड के नीचे जो भी मोमेंट होगी या मोमेंट कोफिशियंट होगी वो आपके शॉर्ट वॉल के सेंटर के लिए यूज किए जाएंगे, सिंपल है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है, कंफ्यूजन से दूर रहना है। तो भाई हमने क्या किया है, ये सारे फिगर से सब कुछ क्लियर कर लिया है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कोरिलेट करके कोफिशिएंट को निकालना है। अब मैं इसे रफ कर दूं, रफ कर दूं, यस और नो, समझ में आ गया आपको, यस और नो, जल्दी रिप्लाई करो, बाकी लोग जल्दी रिप्लाई करो, प्रवीण कुमार आइए, स्वागत है आपका, हेलो, बाकी लोग जल्दी रिप्लाई करो, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एसएस लेगो, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सब, ठीक है, ओके, तो मैं आप उसको डिलीट या फिर रफ कर देता हूँ, ठीक है, चलो। तो अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट की वैल्यूज को निकालना है, ठीक है, हमें आप कोफिशिएंट की वैल्यूज को कोरिलेट करके फाइंड आउट करना है। अब ये आपकी, अब ये सारी वैल्यूज मुझे आपको बतानी होगी, ठीक है, मैं आपको पूछूंगा, आपको मुझे वैल्यूज को बताना है, ठीक है, अरे यार एक बार फिर से रिपीट कर दो अब एक काम करो, आप इस वीडियो को रिवाइंड कर दो, ठीक है, ये डिजिटल पढ़ने का बहुत अच्छा महत्व, मतलब बेनिफिट है आपको कि इसे रिवाइंड कर दो, आप रिवाइंड कर लोगे समझ में आ जाएगा, यार बहुत एनर्जी लग रही है, बाय गॉड क्या पढ़ा रहे हो, इन शॉर्ट, अच्छा हम जो है आपको एक ओवरहेड या फिर हम कह सकते हैं एलिवेटेड रेक्टेंगुलर वाटर टैंक को डिज़ाइन करना सिखा रहे हैं यूजिंग इंडियन स्टैंडर्ड कोड मेथड, आईएस कोड मेथड हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और उसकी यूज़ करके हम जो है यहाँ पर उसे सिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें डिज़ाइन कोफिश सॉरी हमें जो मोमेंट कोफिशेंट है वो निकालने हैं। अब मोमेंट कोफिशेंट के लिए आप आईएस 3370 पार्ट 4 के अंदर टेबल नंबर 6 के लिए पेज नंबर 30 के ऊपर चले जाओ, पेज नंबर 30 के ऊपर चले जाओ, ठीक है, पेज नंबर 30 के ऊपर जाओगे आप तो आपको पता है बी बाई टू इज इक्वल टू जीरो सॉरी टू है और सी बाई ए वन है, तो आपका जो है मैं आप बता देता हूं आपको, देखो आपको जो है आईएस 3370 देखो यहां पर आपका ये कोड है, ठीक है, ये जो आपका रो है पूरा, इस रो में से आपको आपकी वैल्यूज को निकालना है, ठीक है, तो आपके पास ये ओपन होना चाहिए। चलिए मुझे बताइए कि वाई इक्वल टू जीरो के ऊपर एम एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी है, हाँ इसमें भी 1/4 1/2 ऐसे कुछ है, ठीक है, फ्रैक्शन दे रखे 1/4 1/2 और कितना है 3/4, ठीक है 3/4 ओके, ये आपको तीन अलग अलग फ्रैक्शन दे रखे, तो 1/4 के लिए वाई जीरो के ऊपर कितनी वैल्यू है ये मुझे आप बताओ, जल्दी बताओ, आईएस कोड में देखो अपने, और पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंट जिसके अंदर सॉरी जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन इसके अंदर आपको दिखाई दे रही होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको हगिंग और सैगिंग बताता है, ठीक है, तो इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 0.026 ठीक है, और कोई जवाब देना चाहेगा इसका 0.026 और कोई जवाब देना चाहेगा, चलो खैर जो भी है, तो कितना आ रहा है यहां पर 0.026 ओके, ये y0 के लिए mx का कॉलम अलग बनाते हैं, my का कॉलम अलग बनाते हैं, ठीक है, और my की वैल्यू कितनी वहां पर मौलिक, वहां पर my की वैल्यू कितनी है, जीरो पॉइंट फोर थ्री और 0.41 अच्छा मतलब ओके ओके 0.43 43 है 44 है
मैंने आपको 1 में देखने का कहा था, ठीक है? आप शायद 1.25 के अंदर देख रहे हो। मैंने आपको कहा था कि ये जो 1 है आपका, ये जो 1 की 1 वाली लाइन है ना, वो आपको देखना है। आप 1.25 के अंदर देख रहे हो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है? आप अपने आप को सुधार लो ज़रा। 1 वाला जो रो है आपका उसमें देखो तो 0.44 होगा, वेरी गुड। पॉइंट मतलब 0.044 और 0.041, ठीक है? 0.041 समझ में आ रहा है ना भाई आप सभी को? जो भी देख रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है ना, ठीक है? समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ओके? तो इस तरह से हमने एक कोफिशिएंट सिमिलर चीज़ होगी एम वाई के लिए, ओके? वहीं से आपको लेने हैं सारे। उसके बाद जो है वाई इक्वल टू एल बाय टू के लिए, ठीक है? उसके लिए भी एम एक्स और एम वाई, और जेड इक्वल टू जीरो के लिए भी एम एक्स और एम वाई। ये सारे कोफिशिएंट जो है आपको इस तरह से यहाँ पर नोट डाउन करने हैं, जो कि बहुत सिंपल है आपको निकालना वहाँ से। अब बहुत आसान हो जाएगा आपको, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। और जिसे समझ में नहीं आया है वो इस वीडियो को या इस लेक्चर को रिवाइंड कर लो, ठीक है? तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ लियोगे बाद, ठीक है? बाद में। चलिए, तो इतना आपको क्लियर हो गया। सारी वैल्यूज़ में आपको नहीं लिखवा होगा यहाँ पर, जो इनिशियल ये शुरुआती वैल्यूज़ है वो लिखवा देता हूँ, ठीक है? या फिर अगर सारी लिखना चाहो तो लिख लीजिए, काम कीजिए। एम वाई की वैल्यू बता दो मुझे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर सारी वैल्यू निकाल लोगे आप? यस और नो? ये सारी वैल्यूज आप निकाल लोगे अपने हिसाब से? यस और नो? अच्छा, 0.013, 0.020, 0.020 और 0.1016, ठीक है? वेरी गुड। 0.013.0 क्या था? 20 और 0.016 था, ठीक है? ओके, इस तरह से। उसके बाद अगर हम बात करें y इक्वल टू l बाई टू के लिए, मतलब भी जो वैल्यूज है वो, ठीक है? तो माइनस वाली वैल्यूज क्या होगी बताओ ज़रा मुझे आप। और समझ में किसी को नहीं आया तो मुझे अपना सवाल पूछो, किसी को समझ में नहीं आया तो सवाल पूछो अपना मुझे। तब तक मौलिक अपना जवाब दे देंगे, इसलिए मैं कह रहा था कि ज़्यादा लोग होते तो मज़ा आता। और निकाल लेंगे ना, ठीक है? निकाल लो, एक काम करो फिर। चलो खैर, जो भी है, तो इस तरह से आपको ये सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर रखनी है। वैल्यूज़ हमने रख ली यहाँ पर, ठीक है? अब इन वैल्यूज़ में से आपको पहले ये पता करना होगा कि मैक्सिमम कौन सी वैल्यू, मतलब मैक्सिमम कोफिशिएंट की वैल्यू कौन सी है एम एक्स और एम वाई दोनों में, ठीक है? एम एक्स और एम वाई दोनों में जो है मैक्सिमम कोफिशिएंट की वैल्यू कौन सी है वो आपको इसके अंदर आप ढूंढ के निकालनी होगी, ठीक है? तो वो भी निकालना बहुत आसान है, आप कोई अलग से कैलकुलेशन करके निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वैल्यूज़ आपने यहाँ पर लिस्ट आउट कर रखी है उसमें से आप देख लीजिए कि भाई मैक्सिमम वैल्यू कौन सी। नेगेटिव पॉजिटिव साइन को नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताती है कि वो हॉगिंग है या सैगिंग है, ठीक है? तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो जो डिजिट है उसी को कंसिडर करना है कि मैक्सिमम कौन सा है, मैग्नीट्यूड उसका, ठीक है? तो मैक्सिमम निकाल लीजिए फटाफट। आपके पास दो मोमेंट है, एम हॉरिजेंटल का जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास होगा एम वाई इंटू गामा डब्ल्यू एच क्यूब, ठीक है? और एम वी मतलब वर्टिकल मोमेंट का जो कोफिशियंट का वो जो वर्टिकल मोमेंट है आईएस कोड के अकॉर्डिंगली, उसके लिए आपको फॉर्मूला है एम एक्स इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच क्यूब, ठीक है? तो ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं जिसके अंदर आपको सबसे पहले तो निकालना होगा कि मैक्सिमम कहाँ हो रहा है। मैक्सिमम बताओ मुझे कितना हो रहा है आपका? चलो, मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी हो रही है? हरी अब आज का लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा पेचीदा था इसलिए मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ, इस हद तक समझा रहा हूँ, ठीक है? वरना इतना कोई मुश्किल नहीं है। एक बार आप समझ जाओगे ना इसको तो बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ठीक है? तो मैक्सिमम जो आपकी वैल्यू है एम वाई के लिए, एम वाई की बात कर रहे हो, एम एक्स की बात कर रहे हो, ठीक है? मतलब इसके लिए बात कर रहे हो, ठीक है? तो एम एक्स जो है आपका कितना आ रहा है? 0.044, ठीक है? और एम वाई कितना आ रहा है आपका? एम वाई आपका आ रहा है 0.046। ये आपके मैक्सिमम कोफिशियंट आ रहे हैं। नहीं मौलिक, ये आपका गलत था, ठीक है? आप ज़रा एक बार फिर से अपने आप को करेक्ट कर लो, फिर से एक बार करेक्ट कर लो आप अपने आप को। मैक्सिमम एम एक्स के लिए मैक्सिमम 0.044 है, और एम वाई के लिए मैक्सिमम जो आपकी वैल्यू है वो अगर आप देखोगे
तो वो MY के लिए 0.046 है, 0.046 है, ध्यान से देखो। अगर आपके पास बुक है तो बुक में देखो, अगर आपने निकाला है तो निकाल रहा है उसमें देखो, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 0.046 होगी, है ना। चलो तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ओके। अब देखो क्या है ना कि सबसे पहले ये डिसाइड हमने किया था कि जो हमारे पास वाई की वैल्यूज थी ये क्या थी, ये हमारे पास क्या था, ये था सेंटर ऑफ लॉन्ग वॉल, ठीक है, लॉन्ग वॉल, और ये जेड जो था हमारे पास सेंटर ऑफ शॉर्ट वॉल था, ठीक है, सेंटर ऑफ शॉर्ट वॉल था, और ये हमारे पास सपोर्ट या एज हम इसे कह सकते हैं, एज या सपोर्ट हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, ये तीन हमें बस था। अब हमारे पास जो मैक्सिमम आया है वो कहाँ आया था, ए बी के लिए, अगर आपने सही से किया होगा, ठीक है, कि भाई मैक्सिमम हॉरिजेंटल अगर डायरेक्शन में देखें एम एच के लिए, मतलब एम वाई की वैल्यू, एम वाई की वैल्यू अगर देखें हम लोग तो ए बी जो है वहाँ पर आ रहा था, ओके, और एम एक्स मतलब जो वर्टिकल मोमेंट के लिए देखे तो उसके लिए जो है वो सी डी पर आ रहा था, मतलब सेंटर पे आ रहा था, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब देखो, अब ज़्यादा देखो, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, सिंपल चीज़ें हैं, जो भी कोफिशियंट आपने निकाले हैं उन सारे कोफिशियंट को एक काम करो आप मोमेंट के अंदर रखो फॉर्मूले में और आप सारी मोमेंट निकाल लो, बस सिंपल चीज़ है, इतना कर लो, ठीक है, इतना कर लो, आपने मोमेंट कोफिशियंट निकाल लिया, मोमेंट कोफिशियंट निकालने के बाद आप ये मोमेंट निकाल लो। अब देखो मोमेंट कहाँ कहाँ निकाली जाती है, तो मोमेंट हम कहाँ निकालेंगे, एक तो लॉन्ग वॉल के सेंटर पे, ओके, लॉन्ग वॉल के हम शॉर्ट वॉल के सेंटर पे, ठीक है, और ये एज पर, समझ आ रही बात है, यस और नो, इतना यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ मुझे, कन्फ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा है तो यस लिखो, कन्फ्यूजन है तो नो लिखो, समझ में नहीं आ रहा है तो नो लिखो, समझ में आ रहा है, सिर्फ मौलिक को ही समझ में आ रहा है और एक अहमद है, बाकी लोग पता नहीं क्या है, उन्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, न्यूट्रल है सब, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो खैर जो भी है। तो अब क्या करना है आपको, इन सारे कोफिशिएंट के मुताबिक कैलकुलेट करनी है कि भाई मोमेंट हमारी सी डी पर कितनी है, मोमेंट हमारी ए बी पर कितनी है, मोमेंट हमारी ई एफ पर कितनी है। इन मोमेंट्स को कैलकुलेट करने के बाद आपको आपका ये काम खत्म होता है कि मोमेंट आपने कैलकुलेट कर ली है। अब दूसरा काम आपका क्या है, शीयर का, शीयर के लिए भी आपको देखो जो है आपको टेबल दे रखा है आगे उसी कोड के अंदर, आगे टेबल नंबर 7 है, आपको आगे क्या दे रखा है, टेबल नंबर 7 दे रखा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये टेबल जो है इसके अंदर आपको देखो शीयर एट द एजिस ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो शीयर के अंदर भी देखो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है इसमें भी, टॉप एंड बॉटम हिंज वगैरह, ठीक है, हमारे पास जो है टॉप एंड बॉटम हिंज है तो हम हिंज वाला 7 टेबल देंगे, ठीक है, टेबल नंबर 7 पेज नंबर 33 के ऊपर है। तो वहां पर देखो आपको ये जो वैल्यू है डिफरेंट, ये डिपेंड करती है बी बाय ए, मतलब एल बाय एच रेशियो पर डिपेंड करती है, ठीक है, एल बाय एच रेशियो पर ये डिपेंड करती है शेयर की वैल्यू। हमारे पास 2 है, हमारे पास 2 है, तो ये जो इसका जो एल बाय एच का जो सेकंड, ये जो 2 वाला कॉलम है ना वो हम उसके अंदर देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो है जो फर्स्ट कॉलम दे रखा है हमें, ठीक है, ये जो फर्स्ट कॉलम दे रखा है ना, ये अलग अलग कंडीशन है, वो कंडीशन हमें क्या करना है, हमेशा जब हम लॉन्ग वॉल, सॉरी, हम जब इस तरह की वाटर टैंक की जो वॉल है उसके अंदर जब हम डिसाइड करते हैं ना, तो जो हमारी वॉल होती है उसका हमेशा मिड पॉइंट पर हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं शीयर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कंडीशन, हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ बॉटम एज नहीं होगा, कॉर्नर एट बॉटम एज नहीं होगा, मिड साइड मतलब जो हमारी शॉर्ट, हमारी जो वॉल है लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का जो जॉइंट है उसका मिड पॉइंट जो है, उसका जो मिड पॉइंट है वहां पर हमें निकालना है, वहां पर हमें शीयर फोर्स निकालना है। इसका मतलब ये कहाँ होगा, कोई बताएगा मुझे इसकी वैल्यू, ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फिक्स साइड एज, और ये 2 का कॉलम, उसके लिए वैल्यू क्या है, कोई बताएगा मुझे इस IS कोड से देख कर, आप ज़रा बताओ मुझे कि ये जो है ये आपका कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम होगा शायद, IS कोड आपको उल्टा दिख रहा है क्या, हो सकता है शायद, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सेकंड कॉलम होगा और ये जो है आपका यहाँ से मिड पॉइंट ऑफ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ फिक्स साइड एज, इसके लिए जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, चलो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये होगी 0.36, ठीक है, 0.3604 W, मतलब गामा W एच स्क्वायर, ये आपका शीयर फोर्स का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, इतनी डिटेल में आपको बता रहा हूँ शायद आपको कोई बताएगा, ठीक है, खैर जो भी है समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपन यहाँ से अब रफा दफा करते हैं,
आज शायद पूरा एग्जाम्पल हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या है शीयर, हाँ तो हम देख रहे हैं कि भाई L बाय H, अगर हम बात करें A बाय B, मतलब सॉरी अगर हम लॉन्ग वॉल की बात करें, ठीक है, अगर हम लॉन्ग वॉल की बात करें लॉन्ग वॉल के लिए, ठीक है, तो इसके अंदर L बाय H होगा, L बाय H रेशो हमारे पास, L बाय H रेशो हमारे पास 2 है, ठीक है, L बाय लॉन्ग वॉल के लिए L बाय H हमारे पास 2 है, और शॉर्ट वॉल के लिए हमारे पास क्या होगा फिर B बाय H जो कि 1 होगा, ठीक है ना। तो हमने लॉन्ग वॉल के लिए 2 देखा था, उसके लिए हमने 2 वाला जो कॉलम है उसके अंदर वैल्यू देखी कितनी आ रही थी, यहाँ पर शीयर फोर्स की वैल्यू इसके लिए कितनी आ रही थी, S इज इक्वल टू हमारे पास निकल कर आ था प्लस 0.360 गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ रही थी, ओके सिंपल है। उसके बाद अगर हम शॉर्ट वॉल की बात करें तो शॉर्ट वॉल के लिए B बाय H मतलब 1, तो 1 वाला जो कॉलम होगा ना उसके अंदर उसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी, ठीक है। तो 1 वाले कॉलम के हिसाब से अगर देखें तो क्या होगा इसकी वैल्यू, मैं आप उसके अंदर वापस नहीं जाऊंगा, कितनी होगी 0.258 गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास दो शीयर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले आ जाएंगे। अब देखो गामा डब्ल्यू और ये गामा डब्ल्यू एच सॉरी गामा डब्ल्यू और एच जो है दोनों वैल्यू आपको पता है ना, तो इन दोनों के हिसाब से आप जो है शीयर कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे कैलकुलेट करके इसके आंसर बताओ कि दोनों शीयर कितने आ रहे हैं, लॉन्ग वॉल का शीयर कितना आ रहा है और शॉर्ट वॉल का शेयर कितना आ रहा है, जल्दी करो मुझे कैलकुलेट करके बताओ आपका जवाब क्या है, हरी अब, तब तक मैं एक आध घूट पानी का पी लेता हूं। तो क्या जवाब है आप लोगों के, अब तक कैलकुलेट नहीं किया आप लोगों ने, अब आप कहोगे सर पानी पीने जितना आसान तो नहीं है, खैर जो भी है चलो। तो कितना आ रहा है आपका वैल्यू भाई, 17.8 आइए जे स्टार आइए, तो 17.8 आ रहा है लॉन्ग वॉल के लिए, ठीक है, 17.86 या 8 जो भी आप कह लो वो, ठीक है, ये लॉन्ग वॉल के लिए आ रहा है। शॉर्ट वॉल के लिए कितना आ रहा है 12.80, ठीक है, हाँ वेरी गुड, 12.80 आपका या फिर 12.8 आपका इसके लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने क्या किया कि ये शीयर फोर्स जो था एजेस पर हमने सेंटर में मिड पॉइंट के ऊपर दोनों तरफ दोनों वॉल के लिए निकाल लिया कि भाई शॉर्ट वॉल के लिए इतना होगा और लॉन्ग वॉल के लिए उस टेबल के मुताबिक आईएस कोड के प्रोविजन के मुताबिक इतना होगा, ठीक है। ये हमने क्या किया कि मोमेंट और शीयर निकाल लिए जो कि आगे डिजाइन के लिए जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, और इन्हीं के बेसिस पर हमने जो है सारे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने हैं लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के अंदर। तो ये हमने कुछ जरूरी डेटा जो थे वो हमने निकाल लिए हैं। अब एक और आखिरी जरूरी डेटा है जो डिजाइन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो होता है हमारे वॉल की थिकनेस। क्या है हमारी वॉल की थिकनेस। अब वॉल की थिकनेस किस तरह से निकालेंगे हम लोग, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो वहाँ पर आपको जो है एक चेक दे रखा होता है, लेकिन उस चेक से पहले आपको ये पता करना है कि वॉल की थिकनेस जब हम प्रोवाइड करेंगे तो किस मोमेंट और किस शीयर के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी मैक्सिमम मोमेंट या मैक्सिमम शीयर होगा उनके लिए हम डिज़ाइन करेंगे वॉल को, ठीक है, मैक्सिमम के लिए हम डिज़ाइन करेंगे, ऑब्वियस चीज़ है ये तो, ठीक है। तो मैक्सिमम मोमेंट हमारे पास कितनी है, मैक्सिमम मोमेंट अगर हम देखें तो हमारे पास वो है MH इज इक्वल टू 5, जो भी आपने मोमेंट कैलकुलेट की थी ना उसमें से निकालना है आपको मैक्सिमम ढूंढ के, ठीक है। तो ये MH इज इक्वल टू 5.13 है और मैक्सिमम शीयर जो हमने अभी अभी निकाला है वो कितना है 17.86 है, ओके। तो ये दोनों डेटा हमारे पास है जो कि अपने आप में मैक्सिमम है, ओके। अब मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल लिया, आईएस कोड ने क्या है हमें एक फॉर्मूला दे रखा है, ये आपको आईएस 3370 पार्ट 2 के अंदर पेज नंबर 4 के ऊपर भी मिलेगा, या फिर अगर आप आईएस 456 के देखने वाले हो तो उसके अंदर जो है पेज नंबर 83 के ऊपर भी आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। वो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा वो भी आपको मैं यहाँ पर इन रिटर्न बता देता हूँ। फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा डैश सीबीटी प्लस सिग्मा डैश सीटी डिवाइड बाय सिग्मा सीबीटी प्लस सिग्मा सीटी शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ये आपका एक रिलेशन है
जो आपको IS 3370 के अंदर भी दे रखा है और IS 456 के अंदर भी दे रखा है। ओके, इससे हम एक चेक करेंगे कि जो हम वॉल, अब वॉल के लिए जो हम डिज़ाइन करेंगे, सबसे पहले तो वॉल की थिकनेस हमें एज्यूम करनी होगी। उस एजम्पशन के बेसिस पर हम उसकी वैल्यू को इसमें रखेंगे और इसमें वैल्यू रखने के बाद ये चेक करेंगे कि वो जो वॉल है वो इस कंप्रेशन और टेंशन को या स्ट्रेस को लेने के काबिल है भी या नहीं। अगर नहीं होती है तो वॉल की थिकनेस को बढ़ाएगी, अगर सही है तो फिर वॉल की थिकनेस जो हमने एज्यूम कर रखी थी वो एज इट इज़ हम रहने देगी। तो ये सारा इसका एक ओवरव्यू था। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? यहाँ तक वैसे समझ में आ जाना चाहिए, सिंपल स्टेप्स है। ठीक है, ये तो भाई क्या किया हमने, ओके समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये एक फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से पहले हम क्या करेंगे, अपनी वॉल की एक थिकनेस को एज्यूम कर लेते हैं। आप 100 mm एज्यूम करो, 150 एज्यूम करो, 200 एज्यूम करो, 175 एज्यूम करो, 125 एज्यूम करो, 130 एज्यूम करो, 180 एज्यूम करो, जो भी आप एज्यूम करना चाहते हो कर लीजिए। आपका जो भी करेक्शन या एक्यूरेसी है वो ये फॉर्मूला आपको बता देगा कि वो आपने जो एजम्पशन लिया था वो सही है या नहीं है। ठीक है ना, तो हम 150 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो बुक में दे रखा है वही एज्यूम करना है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कोई आपको गलत देने का नहीं है। ठीक है, तो 150 हम जो है वॉल की थिकनेस को एज्यूम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 150 जो है आपकी वॉल की थिकनेस है, 150 mm आपकी वॉल की थिकनेस है, और ये जो है हम इसे टोटल टोटल वॉल टोटल थिकनेस कहेंगे। ठीक है, ओवरऑल। ठीक है, अब चलिए 150 हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, अब ये फॉर्मूला में रखना है। अब ये फॉर्मूले के अंदर देखिए सिग्मा डैश CBT जो है ये कैलकुलेटेड बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट है। ये क्या होता है हमारा, कैलकुलेटेड होता है। ये क्या होता है, कैलकुलेटेड होता है, या IS कोड में अलावेबल जो होता है वो नहीं है। IS कोड में अलावेबल भी होता है, परमिसिबल दिया होता है, और ये हमारा कैलकुलेटेड होता है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, तो इसके लिए आपको IS 456 2000 के अंदर पेज नंबर 83 के ऊपर दे रखा है कि ये जो है इसे आप M बाय Z से निकाल सकते हो। किससे? M बाय Z से निकाल सकते हो, जिसके अंदर Z क्या होता है, Z हमारे पास होता है यहाँ पर सेक्शन मॉड्यूलस। Z क्या होता है, सेक्शन मॉड्यूलस, और हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन है, हमारे पास जो वॉल का क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस तरह का होगा हमारे पास। मैं आपको बता दूँ अगर, तो इस तरह का क्रॉस सेक्शन होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन होता है इसके लिए जो Z की वैल्यू है, सेक्शन मॉड्यूलस जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है BH स्क्वायर बाय 6। ठीक है, अगर मैं सही हूं तो ओके, BH स्क्वायर बाय 6 आपका सेक्शन मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल चीज है, आपको बस समझना है इस चीज को। ठीक है, समझ जाओगे तो अपने आप आ जाएगा आपको सिग्मा डैश CBT जो है वो आपको M बाय Z जो कि आपको IS कोड में दे रखा है। M हमारी जो मैक्सिमम मोमेंट थी वो है, उसके बाद Z जो है वो आपको यहाँ से BH स्क्वायर बाय 6 करके निकालना है। B हमारे पास क्योंकि पर मीटर के लिए लेते हैं हम लोग 1000 होगा, H हमारे पास उसकी थिकनेस हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास 6 है, और इसमें से एक काम करो, सबसे पहले मुझे Z की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। चलो, सारी वैल्यूज हमारे पास पता है, हमें नोन है, तो Z की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताओ। हाँ, यहाँ पर जो है H की वैल्यू जो है ना हमारी वो D हो जाएगा। ठीक है, BD स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, BD स्क्वायर बाय 6 विच इज कैपिटल D। तो बताओ मुझे, अब हमने कैपिटल D 150 mm एज्यूम कर रखी थी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको वही एज्यूम करनी है। B हम क्योंकि पर मीटर के लिए इससे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो B हमारा 1000 mm होगा। अब सिर्फ आप कैलकुलेटर के बटन दबा दो, ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, जल्दी करो, हरी अप। वैल्यू बताओ क्या आ रही है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। मौलिक का आंसर आ चुका है 3.75। हाँ, ये जे स्टार का सही आंसर है, 3.75 इंटू 10^6 आएगा। ठीक है, इंटू 10^6 mm square, सॉरी mm cube आएगा। ठीक है, ये सेक्शन मॉड्यूलस होता है, तो 3.75
75 या 76 इंटू 10^6 mm³ है, सेक्शन मॉड्यूलस होता है, ठीक है। ये तो ये वैल्यू आपको मिल चुकी है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है सिग्मा डैश सीटी जो है, सिग्मा डैश सीटी क्या होता है, कैलकुलेटेड डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। ये क्या है, कैलकुलेटेड डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। अब ये जो है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर सीटी के लिए शियर डिवाइड बाय एरिया, शियर डिवाइड बाय एरिया। शियर कौन सा, जो मैक्सिमम शियर हमने यहाँ पर लिखा था भाई 17.86, ओके। एरिया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा बी इंटू कैपिटल डी, ठीक है। तो अब मुझे सिग्मा डैश सीटी की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, दोनों वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करनी थी, जो हमें हम कैलकुलेटेड कहते हैं उसे, ठीक है, वो पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद जो प्रोवाइडेड है IAS कोड के अंदर उसकी बात करेंगे। सिग्मा डैश सीटी की बात कर लेते पहले, तो मुझे कैलकुलेट करके बता दो। अगर कोई कन्फ्यूजन आपको कहीं हो रहा है ना तो मुझे अभी बता दो, तो हम यहीं पे उसे सॉल्व कर लेंगे। और क्या होता है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो आप बीच बीच में सवाल करते हो ना, तो वो थोड़ा इरिटेटिंग, मतलब लिंक ब्रेक कर देते हैं ना, इसलिए मैं बीच में, कई लोगों ने सवाल पूछा था मैंने जवाब नहीं दिया है, तो अगर वो लोग अभी है लाइव तो अपना जवाब मुझे आखिर में एक बार वापस, मतलब सवाल पूछ सकते हो, तो मैं आपके जवाब देने के लिए तैयार हूँ, ओके। तो कितना आ रहा है, मौलिक का आंसर 1.3836 आ रहा है, अहमद का आंसर और जे स्टार का आंसर क्या आ रहा है, ज़रा बताओ मुझे। अहमद और जे स्टार का आंसर, हाँ जे स्टार का आंसर कितना आ रहा है, 0.1192, ये सही आंसर है, ठीक है, जे स्टार का आंसर सही है। मौलिक एक बार अपने आप को करेक्ट कर लो, कहीं ना कहीं आपने कोई गलती कर रखी है शायद, 17.86 इंटू 10^3 करना होता है आपको, ठीक है, वो किलो न्यूटन में था ना, ये आपको न्यूटन में करना होगा ना, तो 17.86 इंटू 10^3 डिवाइड बाय 1000 इंटू 150, तो ये अहमद ने भी यही गलती कर रखी, डायरेक्ट 17.86 शायद मल्टीप्लाई कर लिया है उन्होंने, सॉरी, तो फिर आपका कम होता ना, ठीक है। तो आप एक बार अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, 17.86 इंटू 10^3 डिवाइड बाय 150, ठीक है, ये आपका फॉर्मूले का उसके अंदर कैलकुलेशन होना चाहिए। तो कितना आ रहा है आपका, 0.12 आपका जो किसका था, जे स्टार का जो था वो था 0.119, मतलब हम उसे राउंड अप करेगा तो 0.12 होगी वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ चुकी है, सिग्मा डैश सीटी की वैल्यू आ गई, सिग्मा डैश सीटी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमारे पास दोनों जो कैलकुलेटेड थे वो हमने निकाल ली। अब जो गिवन है IAS कोड में उनकी बात अगर करें तो हमें सिग्मा CBT IAS कोड में दे रखा है, सिग्मा CBT हमें IAS कोड में दे रखा है, IAS 3370 पार्ट 2 के अंदर टेबल नंबर 1 है, टेबल नंबर 1 है, उस टेबल के अंदर आपको जो है बखूबी वहां पर मिल जाएगा कि भाई M30 के लिए आपकी जो सिग्मा CBT या फिर हम इसे कह सकते हैं परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट के अंदर, उसकी वैल्यू आपको टेबल नंबर 2 के अंदर दे रखी है। अगर आपके पास IAS 3370 पार्ट 2 है तो आप अभी टेबल के अंदर देख सकते हो उसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है, सिग्मा CBT की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 N/mm², ठीक है, M30 कंक्रीट के लिए। और अगर हम बात करें सिग्मा CT की, तो M30 के लिए हमें पता है अच्छी तरह से कि भाई 1.5 होता है, ठीक है, 1.5 होता है, ये भी आपको टेबल नंबर 1 के अंदर दे रखा है IAS 3370 पार्ट 2 में, ओके। तो सिग्मा CT भी अब नोन है, सिग्मा CBT भी नोन है, सिग्मा डैश CBT भी नोन है और सिग्मा डैश CT भी नोन है। सारे जो इस फॉर्मूले के अंदर इस चेक के लिए जो सारी वैल्यूज हमें नोन करनी थी, पता होनी जरूरी थी, वो सारी हमने यहाँ पर पता कर ली है। अब इन सारी वैल्यूज को एक पूरे फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर रखो और मुझे इसका रिलेशन बताओ कि ये लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी करके मुझे बताओ कि क्या रिलेशन आ रहा है इसका, कितनी वैल्यू आ रही है, जल्दी बताओ, हरी अब। और कोई कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन बताओ। इतनी छोटी चीज़ है, आपको समझाने के लिए नाक में दम आ रहा है भाई साहब, मतलब इतना टाइम चला गया है, 48 मिनट अराउंड, मतलब 50 मिनट हो चुके हैं, एक घंटे में मैं सिर्फ अभी आप हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ थिकनेस फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कोर्स स्लैब को डिज़ाइन करना बाकी है और गला जवाब देने को तैयार है आप, मतलब गले की कैपेसिटी आ रही है। खैर जो भी है, देखते अपन क्या होता है अभी। तो
क्या आंसर बताओ जल्दी जल्दी। 0.77 मौलिक का आंसर आ चुका है, 0.77 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो देखो अब क्या है यहां पर कि भाई 0.77 आ रहा है आपका आंसर, विच इज ऑब्वियसली लेस देन वन, कॉमन सेंस। ठीक है, तो ये लेस देन वन है, इसका मतलब जो हमने थिकनेस प्रोवाइड कर रखी थी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कैपेबल है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये फेल हो जाता यहां पर तो थिकनेस आपको चेंज करनी होती थी, बढ़ा के देखो या घटा के देखो, इसका रिलेशन क्या है वो देखो पहले तो। ठीक है, यहां पर सिग्मा सी टी जो है एस बाय ए है। ठीक है, ए यहां पर ए एरिया मतलब ए मतलब एरिया होता है। ठीक है, तो अगर एरिया बड़ा होगा, एरिया बड़ा होगा तो सी टी घटेगा, सी टी घटेगा तो ये यहां पर घटेगा। ठीक है, ये यहां पर घटेगा और ये भी घटेगा, मतलब आपका ये वैल्यू, ये जो टोटल वैल्यू बढ़ेगा, मतलब इसको आपको बढ़ाना था, फिर आपकी अगर मान लीजिए ये फेल हो जाता ना तो आपको ये वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी फिर। ओके, तो इस तरह से आपको ये सारा रिलेशन इसके अंदर मेंटेन करना होता है अपनी डिज़ाइन क्राइटेरिया में, और जो भी वैल्यू आपके लिए प्रेफरेबल है वो सिलेक्ट करना होता है, और ये चेक करके आपको सेटिस्फाई करना होता है कि ये चेक प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक हो तो अपने प्रॉब्लम बताओ, अगर सब कुछ बराबर है तो थम्स अप देकर मुझे साइन दो कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, थम्स अप मतलब लाइक। ठीक है, और अगर आपने लाइक कर दिया है तो अभी यहाँ पर लिख दो यस सर समझ में आ रहा है, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। वैसे आगे क्या है, देखो हमने यहाँ पर एक कर लिया है, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया है, इसका मतलब जो हमने 150 mm जो प्रोवाइड किया था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई नई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि हम अगर इफेक्टिव डेप्थ निकालें तो 100 मतलब 150 माइनस अगर 50 कर दें तो 100 mm हमारी इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी, स्मॉल डी हमारी कितनी हो जाएगी, 100 mm हो जाएगी। तो यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से IS कोड मेथड का यूज़ करके या फिर IS कोड मेथड के कोफिशेंट का यूज़ करके आपको सारे मोमेंट और शीयर निकालने होते हैं। ठीक है ना, आसान है ना, सिंपल है ना कि मुश्किल है, सिंपल है या मुश्किल है बताओ ज़रा मुझे, आप कैसा लगता है आपको इसका लेवल, सिंपल है या मुश्किल है? हाँ अच्छा, आप बहुत हार्ड मत लिखना, ठीक, बहुत हार्ड मत लिखना। कवर, हाँ कवर 50 mm का होगा तो कवर उसके अंदर से माइनस कर देंगे, 60/40। अच्छा ठीक है, 60/40 में से मैं 60 क्या समझूँ और 40 क्या समझूँ। अहमद क्या कहते हैं, जे स्टार क्या कहते हैं, उर्फ मिहिर मराठी क्या कहते हैं, सिंपल है या फिर आसान है? वैसे ज़्यादा को ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको एक प्रोसीजर ध्यान में रखनी है, और प्रोसीजर ध्यान में रखते हुए IS कोड को आपको समझना है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हाँ वही प्रैक्टिस थोड़ा करोगे ना अपने आप घर पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये, IS कोड के अंदर सब कुछ प्रोवाइडेड है। और अगर छोटी मोटी मिस्टेक आपसे एग्ज़ाम के अंदर लिखते समय हो जाती है ना तो उसकी कोई चिंता मत कीजिएगा, अगर छोटी मोटी सिली मिस्टेक हो जाती है तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, बहुत सिंपल चीज़ है, इतना कोई स्ट्रिक्टली चेक नहीं होने वाला है, कोई आप एक रियल लाइफ में किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन नहीं कर रहे हो, ये प्रैक्टिसिंग है आपकी। ओके, इसलिए आप यहाँ पर अपने हिसाब से एजम्पशन ले सकते हो, अपने हिसाब से अगर छोटे मोटे स्टेप अगर कहीं आप छोड़ देते हो या भूल जाते हो या कोई गलती कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन जो स्टेप होते हैं ना बस वो आपको फॉलो करने हैं, मेन प्रोसीजर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब भाई देखो मेरे हिसाब से तो आज की कैपेसिटी मेरी ख़त्म हो चुकी है, आज अपन ने जो ज़रूरी कैलकुलेशंस थे वो कर लिए हैं। कल से अपन क्या करेंगे कि भाई लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के अंदर अब हम जो है उसके अंदर रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो कल से अपन फ्रेशली स्टार्ट करेंगे लॉन्ग वॉल के अंदर रेनफोर्समेंट सपोर्ट के ऊपर और सेंटर के ऊपर, शॉर्ट वॉल के अंदर रेनफोर्समेंट और आपका जो बेस स्लैब है उसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, उन सब चीज़ों को हम कल डिज़ाइन करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एग्री और नॉट, या अभी और पढ़ने की इच्छा थी आपकी? वो तो लास्ट में क्या किया, क्या वो तो लास्ट में किया था वही ना सर? हाँ लास्ट में किया था वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको कल बता दूंगा, ज़्यादा हम उसके अंदर डीपली फोकस नहीं करेंगे, तो जहाँ डिफरेंस है ना मैं आपको वहाँ बता दूंगा कि आपको यहाँ इस तरह से करना है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था उसी तरह से होगा,
माइनर डिफरेंस है, माइनर छोटा सा, ठीक है, तो वो मैं आपको कल बता दूंगा जो भी छोटे छोटे डिफरेंस है। ओके, तो आज की इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, स्टॉप करते हैं। कल हम फिर आपसे मिलेंगे, कल की क्लास में हम जो है, यस सर आज इतना काफ़ी है, ऑब्वियसली काफ़ी है, आपके लिए नहीं तो मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल हम बाकी के एग्ज़ाम्पल को कंटिन्यू करेंगे और कल के लेक्चर में उसे फिनिश करेंगे। आप सभी का अब तक हमें देखने के लिए, हमसे समझने के लिए, हमसे सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी एक्चुअली मैं 9:30 को आ रहा था, लेकिन 9:30 को आते आते प्रॉब्लम थोड़ी हो गई, इसलिए मैं 9:30 को नहीं आ पाया। तो खैर कोई बात नहीं, कल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 9:30 को आ जाऊँगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, शेयर करना सीखो, जितना शेयर करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो शेयर करो दोस्तों के साथ अपने। ओके चलो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, हैव अ गुड नाइट।